हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज होममेड स्टाइल बाय रुचि असीजा में मैं रुचि असीजा आपके लिए लेके आई हूँ दाल बुखारा। तो ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी दाल होती है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए भी आप ये दाल बना सकते हैं। और बड़े बड़े होटल्स में आप ये दाल खाते हैं, सिर्फ वो क्या होता है उसके आगे उनका नाम लग जाता है होटल का। तो आज मैं आपको बनाने सिखाऊंगी दाल बुखारा। अगर आपको ये अच्छी लगे दाल की रेसिपी तो प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं दाल बुखारा। हेलो व्यूवर्स, तो आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ अपनी एक और स्पेशल दाल, दाल बुखारा। तो ये मैंने ली है पूरी उड़द की दाल, काली उड़द है ये होल है। इसको मैंने 5-6 घंटे के लिए पानी में धो करके अच्छी तरह से 4-5 बार और इसको भिगो के रख दिया है। इसके लिए मुझे चाहिए होगा ये पानी बनाने के लिए दाल, और 3 टमाटर बड़े हैं ये, 2 बड़े प्याज हैं, लहसुन है, हरी मिर्च है और अदरक है। ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है। और ये मैंने मलाई ली है, ये सफ़ेद बटर लिया है, और इसके साथ नमक, हल्दी, सूखा धनिया, जीरा और गरम मसाला। ये मैंने एक कुकर ले लिया है और मैं ये सारी दाल इसमें डालूंगी। ये व्यूवर्स, मैंने इसमें कुकर में दाल डाल ली है और इसमें मैं 7 कटोरी लगभग पानी डाल लिया है, और इसमें मैं 1 टीस्पून सॉल्ट का डाल रही हूँ और साथ ही 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं कुकर भी विसल लगा के इसको बंद कर दूँगी और आधे पौने घंटे के लिए या 1.25 घंटे के लिए या 7 सीटी आने तक मैं इस दाल को अच्छी तरह पका लूँगी, वो भी मध्यम आंच पर। मैंने दाल चला लिया है, नमक हल्दी मिक्स कर लिया इस दाल में बस सिंपल, और इसको मैं कुकर को बंद कर लेती हूँ। व्यूअर्स, मैंने कुकर बंद कर दिया है। देन इसके बाद मैं टमाटर को पीस लूँगी, प्याज को पीस लूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट अलग से तैयार कर लूँगी और एक हरी मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। तो मैं फटाफट से इन सबको पीस लेती हूँ। तो व्यूअर, सब हमने सब चीज़ें पीस ली हैं। ये मैंने प्याज पीस लिए हैं, टमाटर पीस लिए, अदरक लहसुन और हरी मिर्च, ये देगी मिर्च, ये मलाई और मक्खन। अब मैं इसमें कढ़ाई में रिफाइंड डालूँगी। अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और ऑयल गर्म होने के बाद इसमें जीरा डालेंगे। तो ये हमारा ऑयल गर्म हो गया, मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। बस जीरा अब हमारा क्रैकल हो गया है, साथ ही मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। इसको मैं चला लूँगी। इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। इस पेस्ट को फ्राई करने के बाद इसको लगातार चलाते रहना, नहीं तो ये चिपक जाएगा हमारा मसाला। अब अदरक और लहसुन फ्राई हो चुका है तो मैं इसमें पिसे हुए प्याज डाल दूंगी। अब मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ जो मैंने प्याज पीस के रखा है। और देन इसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी अदरक लहसुन के साथ। इसको हमने प्याज को अच्छी तरह भूनना है।
और इसके साथ मैं थोड़ी सी हींग डालूंगी। रिवर्स के मेरे पास हींग है, ये हींग डालूंगी मैं और मिक्स कर लूंगी। और मैं प्याज फ्राई हो जाएंगे 5 मिनट में, इसको अच्छी तरह ब्राउन करना है हमने प्याज को। और उसके बाद मैं टमाटर डाल दूंगी। फिर ये जो दाल बन रही है ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, और दालों से ये बिल्कुल अलग लगती है बनने में भी और खाने में भी। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारी दाल बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी है, देखिए ये देखिए। तो बस अब हम तड़का फ्राई कर रहे हैं। फिर हमारे प्याज भी भुन चुके हैं और इसमें मैं टोमेटो प्यूरी डालूंगी। ये मेरे पास टोमेटो प्यूरी है। और इसके साथ ही मैं इसको मिक्स कर लूंगी टमाटर को। इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना हमने जब तक ये तेल ना छोड़ दे मसाला। साथ ही मैं इसमें थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च डाल लूँगी, जिसमें मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। अब देन इसके बाद मैं इसको चला लूँगी। व्यूअर्स ये टमाटर बिल्कुल लाल थे, देखिए क्योंकि पास से दिखाती हूँ, ये शायद वीडियो में नहीं दिख पा रहे हैं इतने। और अब मैं इस लाल मिर्च के साथ इस मसाले को भून रही हूँ और 5-7 मिनट में ये बिल्कुल मसाला भून जाएगा और तेल बाहर आ जाएगा इस मसाले में से, तब तक हमने इसको चलाना है। व्यूअर्स तो ये दाल का मसाला देखिए ऑयल छोड़ दिया है इस मसाले में, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ मैं दाल को थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, यानी कि इसको थोड़ा दबा लेंगे दाल को। इसके बाद हम इसमें नमक और बाकी चीज़ें मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं सॉल्ट डालूँगी, मैंने दाल में 1 चम्मच सॉल्ट पहले डाल रखा है, तो ये 2 चम्मच सॉल्ट, 2 टीस्पून है ये डाल दिए। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, ये 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसके बाद इसमें मैं दाल मिक्स कर दूँगी। देखिए व्यूअर्स हमारी दाल का मसाला बिल्कुल पक के रेडी है। तो देखिए व्यूअर्स ये बिल्कुल रेड हो चुका है और इसमें अब दाल मिक्स कर दूंगी मैं। मैंने दाल सारी ऐड कर दी है इसमें, देखिए। और अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसको चला लेती हूँ दाल को और इसको स्लो पे 10-15 मिनट ऐसे ही छोड़नी है दाल को। देखिए अब इसके बाद मैं इसमें मलाई और मक्खन ऐड करूंगी। इसमें अब मैं 2 चम्मच मलाई डाल रही हूँ, ये एक डाल दिया मैंने और ये दूसरा डाल दिया। और साथ ही मैं इसमें इसको मिक्स कर लूँगी मलाई को और गैस को बिल्कुल स्लो कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं इसमें वाइट बटर डाल रही हूँ। ये भी 2 टीस्पून मैंने डाल दिया है। अब इसको हमने 10-15 मिनट तक मिक्स करनी है ताकि ये मिक्स हो जाए। इसको लगातार चलाते रहेंगे और ये मिक्स हो जाएगी। देन इसके बाद हम
मिक्स करने के बाद इसके एंड में हम गरम मसाला डाल देंगे। ये मिक्स हो चुकी है व्यूअर्स, अगर आपको लगे कि दाल गाढ़ी हो रही है तो थोड़ा सा ये गरम पानी है मेरे पास, ये ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी सही कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी गाढ़ी हो रही है ये, तो उसको पकने में भी 5-7 मिनट और लगेंगे और ये हमारी दाल रेडी हो जाएगी। अब इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दूंगी, गरम मसाला 1 टीस्पून, इसको मिक्स कर लेंगे और देन 5-10 मिनट बाद ये हमारी दाल तैयार हो जाएगी। इसको बिल्कुल स्लो पे हमने पकाना है। तो चलिए व्यूअर्स, मेरी अब दाल बिल्कुल रेडी है, मैं बस इसके ऊपर थोड़ी क्रीम डालूंगी। ये मेरी क्रीम से मैंने डेकोरेट कर लिया है और इसको मैंने साथ में पापड़ रखे हैं, आप और भी किसी तरीके से डेकोरेट कर सकती हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। और सब्सक्राइब करने के बाद व्यूअर्स, मेरा जो चैनल का सब्सक्राइब बटन के साथ बेल बटन आएगा उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।